दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं हूं मनोज पंडित। आज आपके सामने मैं लेके आया हूं एक ऐसी घटना जो महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रिसोड तालुका गांव में के कुरहा गांव में जो हुई थी घटना, मैं उसको बताने आया हूं कि एक युवक ने एक लंगूर या बंदर को बहुत बुरी तरह से बेरहमी से पीटने की जो घटना हुई थी, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। बहुत ही इतनी बुरी मतलब वीडियो बनाई उसने, इंसानियत को शर्मसार किया और जो हैवानियत का काम किया उसने बंदर को मार करके, और उसे पहले खाना खिलाने के लिए उसे जाल में फंसाया, उसे टांगा, और टांगने के बाद में उसे बेरहमी से पीटा, और जब तक पीटा अब जब तक कि वो बंदर मर ना गया। दोस्तों पर इस देश में, हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में इस घटना को किस तरह से लिया गया कुछ लोगों ने, क्योंकि उस लड़के ने टोपी पहन रखी थी। देखो पहली बात कि जानवर को मारना और बेरहमी से मारना, एक हम ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये किसी के लिए भी मतलब सही नहीं है बेजुबान जानवर को मारना। इसको उस लड़के ने, जिसका नाम पवन बांगर था, जो अपने दो युवकों के साथ वीडियो बनवाता है टोपी पहनकर और उसे बेरहमी से मारता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस देश के टुकड़े करने के लिए, इस तरह की वीडियो बनाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पता लगता है कि उसका नाम पवन बांगर था, वो एक मुसलमान लड़का नहीं था। मुस्लिम को बदनाम करने के लिए और उन पर धब्बा लगाने के लिए इस तरह के ये लोग कर्म कर रहे हैं, और इसको अधिक से अधिक शेयर करने की हमारे फेसबुक पर बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे जो फर्जी हिंदू हैं, अपने अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुझे शर्म आती है उन लोगों को हिंदू कहने पर, वो अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, अपने कुछ चंद लाइक के लिए, चंद व्यू के लिए उसको बता रहे हैं कि मुसलमानों ने एक हमारे धर्म के जानवर को, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मारा। पर उसमें असलियत निकली क्या? उसमें निकली, मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या निकली। ये लड़का उस गांव का पवन बांगर नाम का लड़का था, जिसने टोपी पहनकर ये काम किया, और भड़काने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए, इस तरह से देश के टुकड़े होते हैं और ऐसे हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाता है, जिस तरह से आप लोग, ये सोशल हो रही है वीडियो, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज को पढ़ पढ़ के कि इस तरह से लोग कैसे कैसे राजनीति और अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। हमने भी कसम खाई है, ये तोड़ने का काम करेंगे तो हम इनको, हम हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम करेंगे, सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमने भी कसम खाई है। दोस्तों देखो ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट थी, इसमें आया हुआ है, और ये एक पोर्टल है उस पर भी आया हुआ है, टोपी पहनकर बेजुबान जानवर की बेरहमी से पीटने वाले हैवान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जिसको मुसलमान बताया जा रहा था। दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने है, घायल बंदर को पीटने वाला युवक हिरासत में, जिसका नाम मैं आपको खबर भी पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से हिंदू मुस्लिम को फैलाने के लिए और ये कोशिश की है, और जो व्यर्थ है, हम उसका भंडाफोड़ करने आए हैं और आपको बताने आए हैं कि ये सिर्फ अपने कुछ चंद लोग हैं जो अपनी चीप पॉलिटिक्स और चीप राजनीति और चीप जो पब्लिसिटी के लिए ये लोग काम करते भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम ऐसे किए हुए हैं, उनको निंदा करता हूं कि आप इस तरह से काम करके आप पॉपुलर होना चाहते हो, ये शर्म शर्म की बात है। अब इस तरह से मैं आपको सुनाता हूं कि जिले के रिसोड तहसील के तहत कुल गांव में एक युवक द्वारा पिटाई की, बंदर की पिटाई की, जिससे बंदर की मौत हो गई, जिसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है, और इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंदर की पिटाई करने वाले युवक और दो नाबालिग लोगों को हिरासत में लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाले मामला सामने आया है, युवक की आलोचना हो रही है। शनिवार की कुरा गांव में एक बंदर खेतों में घूम रहा था, उसी समय पवन बांगर नामक का युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से जा रहा था। पवन और उसके दोस्तों ने बंदर को खाना खिलाने के बहाने पकड़ लिया और इस बंदर को लाठियों से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दोस्तों इसको, अब मेन बात यह है कि इसको हिंदू और मुस्लिम का
बताया जा रहा था कि होना ये चाहिए था कि एक जिस तरह से जानवर की पिटाई हुई, जिस तरह से जानवर की मौत हुई, उस तरह से उसकी आलोचना होनी चाहिए थी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाना था। पर इसमें आपने जिस तरह से षड्यंत्र किया है, आप मुस्लिमों को और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मुस्लिम टोपी पहन रखी थी, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। मैं बस ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये हर आदमी तक पहुंचे, क्योंकि कुछ चंद लोग हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं और जिस तरह से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि इसे तोड़ने ना दिया जाए। और जिस तरह से इन लोगों ने एक बार फिर मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की और अपने अपने सोशल मीडिया से कोशिश की कि इन्हें बदनाम किया जाए, और उन्होंने अपने चंद चीप पब्लिसिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोग समर्थन देते रहे और इस तरह से आप शेयर करते रहे, अधिक से अधिक ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि ये सारी जानकारी, और मैं ये पोस्ट भी कर दी है, और ये आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं ये कटिंग। ये कटिंग है जिसमें अखबार की कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसका नाम पवन बांगर है, जो गिरफ्तार भी कर लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों मैं चाहूंगा, अब क्या वो लोग जिन्होंने इस तरह से अपनी फेसबुक पर जिस तरह से ये मुस्लिम को जोड़कर दिखाया था, वो क्या माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई? दोस्तों वो नहीं मांगेंगे, तो आप उनसे माफी मंगवाइए और उन लोगों को इग्नोर कीजिए जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू 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 कहने से बात नहीं बनने वाली। हम लोग वो हैं, हम हिंदू हैं, पर मुस्लिम को भी गले लगाते हैं, क्योंकि मुस्लिम हमारे यहाँ दिवाली मनाता है और हम उसके यहाँ पर ईद मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।